कौन सी डाइट बेहतरीन है जो स्टमक के इश्यूज़ हैं या मैदे के अमराज जिनको आप कहते हैं उनको अवॉइड करने के लिए आप कौन सी डाइट इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारे न्यूट्रिशनिस्ट जवेरिया हमें बताने वाली हैं। जी जवेरिया, आज हम बात करेंगे मैदे के मसाइल, उसमें एहतियाती तदाबीर। यहाँ बताती चलूँ कि तमाम वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा चटपटे खानों के शौकीन हैं और साथ ही साथ वो हाईली स्पाइसी फूड भी लेते हैं और हाईली सिट्रस फ्रूट लेते हैं या इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें, पिकल्स यानी बहुत ज़्यादा अचार का इस्तेमाल करते हैं और कोई भी चीज़ अतदाल भी नहीं लेते, बहुत ज़्यादा तली हुई शिया का इस्तेमाल करने से, बहुत ज़्यादा तेज़ मीठा या बहुत ज़्यादा तेज़ नमक अपनी ग़ज़ा में अपनी डाइट में शामिल करने से अक्सर औकात उनको स्टमक के इश्यूज़ हो जाते हैं, इनका मैदा जो होता है वो सेंसिटिविटी का शिकार हो जाता है। और जब भी आपका मैदा सेंसिटिव होता है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं, जिसमें नंबर वन पे आपको स्पाइसी फूड नहीं लेना होता, कार्बोनेटेड ड्रिंक, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके फर्स्ट ऑफ ऑल स्टमक पे हीट अप करता है, उसको आपको माइनस करना होता है, आर्टिफिशियल जो कलरेंट वाले मशरूबात हैं या फिर वो डब्बे वाले जूस या दूध हैं, तमाम चीज़ों से परहेज करना होता है। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंटली एज अ कंसल्टेंट मुझे लगता है कि जो आपकी बॉडी में होने वाली जितनी बेरब्तगियाँ वो खुराक के गलत या सही इस्तेमाल से होती हैं, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली वो लोग जो कि मैदे के मसाइल का शिकार हैं उनको चाहिए कि वो अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेस फूड, मीन टू से दैट अपनी बॉडी को बेस लाइन फूड्स पर रखें, जिसमें योगर्ट आ जाता है, क्योंकि योगर्ट दही जो होता है इट्स रिच इन प्री एंड प्रोबायोटिक। आप योगर्ट में कुछ ना कुछ सीजनल फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, जो सीज़न चल रहा है उस तरह के आप उसमें फल भी ऐड कर सकते हैं, उसको आप एनरिच कर सकते हैं और बिल्कुल उसको मैश और स्टीम फॉर्म में लें। क्योंकि जो जितने लोग जो कि इस टाइम हमें सुन रहे हैं और मैदे के मसाइल का शिकार है, उनके लिए ये है कि वो सॉफ्ट ब्लेंड डाइट की तरफ जाएं। सॉफ्ट ब्लेंड डाइट का मतलब है कि स्टीम्ड, बिल्कुल स्टीम या नरम मुलायम ग़ज़ा, और मुलायम ग़ज़ा में हमारे पास डिफरेंट पुडिंग्स आ जाती हैं, एग पुडिंग आ जाती है, एग नॉग आ जाता है, उसके साथ एग्स में प्रोटीन पोर्शन हो गया, उसके अलावा आप सीरियल ग्रुप में ले सकते हैं। मैश पोटैटोज़ यानी जो मतलब उबले हुए जो आलू होते हैं, मैश बनाना यानी बिल्कुल मैश किया हुआ बनाना, बिल्कुल आपने उसको माइन्यूट, आप उसको बिल्कुल बारीक बारीक पतला, अगर ज़्यादा स्ट्यू है तो आप उसका भी ले सकते हैं, पर विदाउट उसमें कोई सीजनिंग या कोई ऐसी चीज़ जो कि आपके स्टमक के लिए अच्छी नहीं है वो आप बिल्कुल ऐड ना करें। कम अज़ कम 3 से 4 महीने के लिए आपको तली हुई अशिया का गैप देना चाहिए ताकि आपका स्टमक जो है, आपका जो मैदा है वो रेस्ट में आ सके। और स्पेसिफिकली अपनी जो डाइट है उसमें मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध और दूध से बनी हुई अशिया का इस्तेमाल बढ़ा दें ताकि आपकी आपका जो स्टमक है वो टोटली तरीके से सिक्योर हो सके और उसकी जो स्टमक लाइनिंग है वो आपको प्रिवेंट कर सके आने वाली और बीमारियों से। बेसिकली जब भी स्टमक इश्यूज़ की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा बाहर के जो लोग बहुत ज़्यादा बाहर के खाने कंज्यूम करते हैं, बाहर के जूसेस कंज्यूम करते हैं, वो स्टमक सेंसिटिविटी में आ जाते हैं, जिससे डायरिया, ब्लॉटिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हो जाती है यानी IBD हो जाता है। और जब भी IBD आपको होता है, आपको मतलब इस तरह की आप कॉजेज़ और सिम्टम्स में आते हैं, तो कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि हमें बहुत हद तक हेल्प आउट करते हैं, जिसमें से एक अनार है। अनार के बारे में बताती चलूँ कि जहाँ पर ये प्री पैक्ड एंड फुल पैक्ड है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड मैनी अदर इम्पॉर्टेंट फाइटोकेमिकल्स के साथ साथ, और ना सिर्फ ये बल्कि अनार में एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट पाया जाता है जिसको जो कि लाइकोपीन कहलाता है, जो रेड कलर का होता है और वो एंटी कैंसरस भी होता है। आपकी बॉडी में ऐसे खुलियात जो कि टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको भी सेटल डाउन करता है। ना सिर्फ ये बल्कि साथ ही साथ आपकी बॉडी की जो टॉक्सिसिटी है उसको रिलीज़ करके आपकी बॉडी को प्योरीफाई करता है, क्योंकि अनार में ऐसे कुछ एंटीबॉडीज़ और ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि आपकी कुव्वत मुदाफ़त को स्ट्रॉन्ग करती हैं और जितने लोग जो कि IBD में यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में, उसको भी सिक्योर अप करता है। यहाँ मैं बताती चलूँ कि जो आपका स्पाइस पोर्शन है उसको बहुत ज़्यादा हद तक लिमिटाइज करना चाहिए। गोश्त को बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रिल्ड आप जब आप करके लेते हैं तो इट्स नॉट टू गुड फॉर योर हेल्थ। और इन तमाम चीज़ों को जब आप अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं और सिंपली आप यू कैन गो थ्रू विद द पाइन एप्पल, येलो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, स्पिनच को ऐड, हैंडफुल ऑफ नट्स, और बिल्कुल सब यू कैन से फ्लूइड फॉर्म में हो या सेमी फ्लूइड फॉर्म में हो तो इट्स गुड फॉर द स्टमक पेशेंट्स। जो राइस होते हैं, जो चावल होते हैं, इट्स रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड स्टार्ची फूड में भी आता है। आप इसको भी बिल्कुल बारीक बारीक जो है इसकी फ्लूइड फॉर्म में या बिल्कुल उसका जो राइस फ्लोर से आप मतलब इसकी खीर वगैरह ज़रूर कंज्यूम कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बनाना है यानी बनाना इज़ रिच इन सीरोटोनिन हार्मोन, बट उसमें जो डाइट्री फाइबर और फ्रुक्टोज यानी जो फ्रूट शुगर्स हैं बनाना में, वो आपकी बॉडी को ना सिर्फ जो है आपके स्टमक को हेल्प आउट करते हैं रिकवरी में, बल्कि
आपकी जो बॉडी है उसको प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर अमाउंट में जो शुगर इनटेक है उसका प्रॉपर होता है, तो ये तमाम चीज़ें जी। थैंक यू सो मच जुबेरिया, इतनी ज़बरदस्त टिप्स बताने के लिए।